शांति। आज की तारीख है 26/4/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और फिर कराना, दूसरों को भी करना सिखलाना। दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। प्रश्न है, बाप के दिल में कौन सी शुभ आशा सदा रहती है, किस बात में बाप आप समान बनाना चाहते हैं? उत्तर है, बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प आ नहीं सकता, क्योंकि वो है सुखदाता। इस ही बात में आप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जांच करो, ऐसे अंदर में सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते हैं। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक, रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं, योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है। नंबर दो, बाप समान सबको सुख दे, सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। वरदान सतगुरु बाबा का मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं, जैसी मन की पोजीशन होती है वो चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो, ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन है, खुशियों की खान के अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और खुशी बांटती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।